नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लच्चे सेंटर में। और दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं मैथ का सवाल, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 50 व्यक्तियों के एक समूह में से 18 व्यक्ति जो काम पर जाते हैं वो ट्रेन से जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो ट्रेन से जाते हैं और न ही बस से जाते हैं। तो चलिए प्रश्न पूछा क्या गया है यह देख लेते हैं। केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, जो संख्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि ट्रेन से जो जा रहे हैं व्यक्ति उनका प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है वह ट्रेन से सफर करते हैं। तो यहाँ तो सिंपली दिया हुआ है 18 व्यक्ति काम पर जाते हैं, तो क्या यही हो जाएगा? नहीं, हमको पहले देखना होगा कि किस प्रकार से कितने लोग जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेन से कितने लोग जा रहे हैं। टोटल तो 50 है, टोटल 50 लोग हैं। आइए लिख लेते हैं पहले ट्रेन से जाने वाले कितने लोग हैं, 18, और बस से जाने वाले लोग हैं 26, और 8 आदमी हैं जो न तो ट्रेन से जाते हैं और न ही बस से जाते हैं। तो इनका अगर जो टोटल हम कर रहे हैं तो हो रहा है 52। यह कैसे पॉसिबल है कि 52 हो जाए? यहाँ पे कहाँ पे गलती हुआ है? जी कुछ गलती नहीं हुआ है। यह क्या हुआ है कि 2 व्यक्ति इसमें से ऐसे हैं जो कि दोनों से जाते हैं, यानी कि ट्रेन से भी जाते हैं और बस से भी जाते हैं। तो आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ की सहायता से इसको जब हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो यह हो गया पहला वाला ट्रेन, तो ट्रेन से कितने लोग जाते हैं, 18, और यह है बस, तो बस से कितने लोग जाते हैं, 26, और 2 आदमी जो है वह दोनों से जाता है। आप अगर जो रीजनिंग जानते होंगे तो यह वाला आप डायग्राम समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है, यह वाला जो पोर्शन है बीच का, 2 आदमी ऐसे हैं जो कि दोनों से जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, क्योंकि ट्रेन वाला ये है हमारा पूरा लाइन, ये है आपका ट्रेन वाला जो ग्राफ बना हुआ है, और यह है बस वाला। तो यह कॉमन मिल रहा है, ट्रेन और बस दोनों में 2 आदमी। तो बस सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है। तो 18 व्यक्ति जो है वह ट्रेन से जाते हैं, जिसमें से 2 है बस से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं। इसका मतलब हमको अगर जो पूछा जाए हमसे कि ट्रेन से कितने लोग जाते हैं, तो 18 में से 2 को घटाकर बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा गया केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्ति, तो 2 तो कॉमन है ना दोनों में, तो उसको घटा लेंगे। तो 16 व्यक्ति है जो सिर्फ ट्रेन से जाते हैं, और टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस 50 से डिवाइड कर देते हैं 2 बार में, यानी कि 32% ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेन से जाते हैं। ग्राफ से समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। टोटल व्यक्ति हैं 50, ट्रेन से जाने वाले हैं 18, और बस से जाने वाले हैं 26, 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि नहीं जाते। तो फिर से एक बार ग्राफ बना लेते हैं। ट्रेन से जाने वाली या ट्रेन है, मान लेते हैं ट्रेन है, और यहाँ पे जा रहे हैं 18 व्यक्ति, और बस है यहाँ पे टोटल ये 26, ये है आपका बस, और 2 आदमी कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं। सिंपली बहुत ही आसान है, ट्रेन और बस का, सिर्फ बस और ट्रेन। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या टोटल थे 50 आदमी, 50 आदमी में से 8 आदमी क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि 8 व्यक्ति न तो ट्रेन से जाता है और न ही बस से। तो बचे कितने, 42 आदमी बचे जो या तो ट्रेन से भी सफर करते हैं और बस से भी, लेकिन इन 42 में 2 आदमी यह वाला, यह जो पोर्शन है 2 आदमी का, ये 2 आदमी ऐसे हैं जो कि बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, तो उनको भी क्या करना होगा, माइनस कर लेंगे, यानी कि अब आंसर हो गया 40 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ट्रेन से जाते हैं, सिर्फ ट्रेन से और बस से। यानी कि सिंपल अगर जो हम इसको देखें, अलग अलग भी कर दिखाते हैं आपको, ट्रेन से जा रहे थे कितने आदमी, ट्रेन से आदमी जा रहे थे टोटल 18, लेकिन इसमें से 2 आदमी क्या है, माइनस करना है, क्योंकि वो बस से भी जा रहे थे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16, यानी कि 16 आदमी सिर्फ ट्रेन से जा रहे हैं। और जो यही बस से भी सवाल पूछा जाए कि बस से सिर्फ कितने आदमी जा रहे हैं,
तो 26 आदमी यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में 26 तो सिर्फ बस से जा रहे थे, लेकिन दो आदमी क्या है ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो उनको भी माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 24। और यहाँ पे आपका आ जा रहा है अलग अलग सेपरेट कर ये वाला हम आपको निकाल कर बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, और यह रहा प्रश्न, और इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं, ये हम पहले ही डायग्राम में निकाल चुके हैं। इस तरह बना लेंगे आप 18 आदमी ट्रेन से और 26 आदमी, तो दो आदमी जो आपका एक्स्ट्रा आ रहा था, इसका मतलब वही दो आदमी है जो दोनों से ही सफर तय करते हैं। तो आपका आंसर होगा ए, दो, यानी कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ट्रेन और बस दोनों का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि हम किस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाकर लाएं, और इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपके लिए हम लाते रहेंगे।